हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होता है और इसको हम डबल ट्यूब सिस्टम कहते हैं। तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ए डबल ट्यूब सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जेंट लेंसेज। इट प्रोड्यूसेस हायर मैग्निफिकेशन देन ए सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन एन इमेज फॉर्म्ड बाय वन कॉन्वेक्स लेंस लाइज विद इन द फोकल लेंथ ऑफ अनदर कॉन्वेक्स लेंस, देन द फाइनल इमेज formed by the second lens is virtual, inverted and highly magnified। ये principle आप ray diagram से ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे। मतलब क्या है, इसमें दो convex lens use करते हैं और एक convex lens से जो image form होता है वो image दूसरे convex lens के focal length और optical center के बीच में होता है और वो जो इमेज है सेकेंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। तो सेकेंड लेंस जो फाइनल इमेज फॉर्म करेगा वो हाईली मैग्निफाइड होगा, वर्चुअल होगा और इन्वर्टेड होगा। ये रे डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये रे डायग्राम है ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज है, एक लेंस है जिस कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा लेंस है ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, दूसरा कहलाता है आईपीस। जो लेंस ऑब्जेक्ट के नियर बाय होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जो लेंस आई के नियर बाय होगा उसको आईपीस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होता है वो आईपीस के फोकल लेंथ से कम होता है। दोनों ही लेंस का फोकल लेंथ शॉर्ट होता है, लेकिन दोनों के कंपेरिजन में ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो कम होता है और आईपीस का फोकल लेंथ इससे ज्यादा होता है, लेकिन अपर्चर भी थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। तो यहां पर क्या है, ये दोनों लेंस को इस तरह से रखा गया है को एक्सियली। को एक्सियली का मतलब दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, ठीक है। इसमें एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है ए बी जो कि ऑब्जेक्टिव के फर्स्ट फोकस के नियर बाय है। ए बी बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो इस स्मॉल ऑब्जेक्ट से एक इमेज फॉर्म होगा। यहां से ये दो रे पास हो रहा है जो कि यहां पर इमेज फॉर्म कर रहा है ए डैश बी डैश। तो ए बी का इन्वर्टेड इमेज बना ए डैश बी डैश। तो ये ए डैश बी डैश इमेज जो फॉर्म हुआ है, तो ये दोनों लेंस को इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे कि ये जो इमेज है ये आई पीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो। दोनों को एडजस्ट कैसे करेंगे, ये डबल ट्यूब सिस्टम है तो ये दोनों के बीच का जो लेंथ है वो एडजस्ट हो सकता है। तो ये वाला जो इमेज फॉर्म हुआ ए डैश बी डैश, ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच है। अब क्या होगा, इस आईपीस के लिए ये वाला जो इमेज है ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। तो अब यहां से जो रे पास हो रहा है, एक रे यहां से गया ये ऑप्टिकल सेंटर से, एक रे इधर से आया पैरेलल और ये इधर से चला गया सेकंड फोकस से पास होकर, तो ये यहां पे कहीं पे भी बिहाइंड द लेंस नहीं मीट करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड आगे लेकर आएंगे। तो ये आएंगे तो यहां पर एक ये इंटरसेक्ट करेगा, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये इसका इमेज बन रहा है। किसका इमेज है, ए डैश बी डैश का। तो ये हो गया फाइनल इमेज। तो यहां पर ये ए डैश बी डैश फिर इमेज है ए बी का, तो ए बी इतना स्मॉल था, इसका फाइनल इमेज बना जो कि बहुत बड़ा है, मतलब हाईली मैग्निफाइड है और ये वर्चुअल है और इन्वर्टेड है। ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब यहां पर ये ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसका इमेज डिस्टेंस है वी ओ, मतलब यहां इसका ए बी का इमेज बन रहा है बाय ऑब्जेक्टिव ए डैश बी डैश, तो वी ओ हो गया या वी नॉट, ये इमेज डिस्टेंस। सिमिलरली फॉर आई पीस ये वाला जो डिस्टेंस होगा यू ई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस, और ये वाला जो डिस्टेंस है ए डैश बी डैश का
आईपीस से, ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस। तो ये इमेज डिस्टेंस जो है फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द आईपीस, इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे लेंथ को ताकि ये जो इमेज फॉर्म हो वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, तो जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो फाइनल इमेज जो बना वो आईपीस से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है। तो ये हो गया इसका रे डायग्राम कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम, जो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, और इसमें रे डायग्राम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पूछा जाता है इसका वर्किंग क्या है, मैग्नीफाइंग पावर क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है। तो इसमें मेन जो मार्क्स होता है वो रे डायग्राम में ही होता है। तो रे डायग्राम आपको प्रॉपरली ड्रॉ करना है और फिर मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर सिंपली सिर्फ ज्योमेट्री यूज करेंगे और लेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे, वो बहुत ही ईजी है। तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ द एंगल्स मेड बाय द इमेज एट द आई एंड द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने डिफाइन किया था। तो ये इमेज है ए डैश बी डैश, ये आई पर कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, ये ई बी और ए ई बी डबल डैश और ए डबल डैश ई के बीच का एंगल, ये वाला जो एंगल है ये बीटा है। ये इमेज इतना एंगल सबटेंड कर रहा है आई पर, और ये है अल्फा। अल्फा क्या है, जो ऑब्जेक्ट जितना एंगल सबटेंड कर रहा है आई पर। तो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए डैश बी डैश है। तो ऑब्जेक्ट को जब हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा ए डबल डैश आई। यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ किया है यहां पर, तो ये ए डबल डैश आई किसके बराबर है, ए डैश बी डैश के। तो यहां से ये जितना एंगल सबटेंड कर रहा है आई पर वो हो गया अल्फा। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो बीटा बाय अल्फा है। तो बस इसी को हम इवेलुएट करेंगे यूजिंग ज्योमेट्री इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ और ये इमेज डिस्टेंस और लेंस फॉर्मूला यूज करके, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन जो है रे डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे और वर्किंग को एक्सप्लेन कर देना है और फिर मैग्नीफाइंग पावर को इवेलुएट कर देना है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है रे डायग्राम में, बस उसी को एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ। व्हाट इज दैट, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज ओ एंड ई प्लेस्ड को एक्सियली, द लेंस ओ इज फेसिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड द लेंस ई क्लोज टू द आई इज कॉल्ड आई पीस, द ऑब्जेक्टिव इज ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ एंड हैज ए स्मॉल अपर्चर देन द आई पीस, द आई पीस इज ऑल्सो ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बट ऑफ लार्ज अपर्चर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज कैन बी एडजस्टेड। बस जो एक्सप्लेन किया है उसी को यहां पर लिख देना है। इसके बाद है इसका वर्किंग। वर्किंग में आपको क्या एक्सप्लेन करना है, एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड जस्ट अवे फ्रॉम द फोकस एफ ओ डैश ऑफ द ऑब्जेक्टिव विच फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ए डैश बी डैश, दिस इमेज लाइज बिटवीन द आई पीस ई एंड इट्स फर्स्ट फोकस एफ ई डैश एंड एक्ट्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। ठीक है, जो इमेज बना है फर्स्ट लेंस से ऑब्जेक्टिव से वो कहाँ पे होना चाहिए, आई पीस और उसके फोकस के बीच, मतलब एफ ई डैश और ई के बीच, और वो क्या करता है आई पीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो देन द आई पीस फॉर्म्स ए मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इन्वर्टेड फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। अब इसके बाद मैग्नीफाइंग पावर डेराइव करना है। तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए हम क्या करते हैं, दो एंगल्स डिफाइन करते हैं, दैट इज लेट बीटा इज एंगल सबटेंडेड बाई इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश एट द आई एंड अल्फा दैट इज एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश एट आई व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होगा ये बीटा और अल्फा का रेशियो, मतलब बीटा बाई अल्फा।
सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय एम इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा. अब बीटा और अल्फा को हम इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस टर्म्स में लिखेंगे. तो डायग्राम में क्या करेंगे, जो एंगल्स अल्फा और बीटा बना है राइट एंगल ट्रायंगल में, वहां से हम बीटा और अल्फा का वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे, अल्फा और बीटा को स्मॉल ले लेंगे. जब अल्फा और बीटा स्मॉल होगा तो टैन बीटा विल बी इक्वल टू बीटा एंड टैन अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा. तो फॉर स्मॉल एंगल्स अल्फा एंड बीटा वी हैव इन ट्रायंगल ए डैश ए डबल डैश ई बी डबल डैश. बीटा विल बी इक्वल टू टैन बीटा दैट इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ई ए डबल डैश. ये कैसे आया डायग्राम में देखते हैं, कौन सा ट्राइंगल है ए डबल डैश ई बी डबल डैश. तो ये वाला ट्राइंगल है ए डबल डैश बी डबल डैश ई, इसमें ये वाला एंगल बीटा बन रहा है. तो ये क्या हो गया, बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर है. और हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में टैन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस. तो ये हो जाएगा क्या, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ई ए डबल डैश. और बीटा यहाँ स्मॉल है तो स्मॉल एंगल के लिए हम टैन बीटा को बीटा लिख सकते हैं. तो यहाँ पर यही लिखा है दैट इज इन दिस ट्राइंगल टैन बीटा इज इक्वल टू दिस. सिमिलरली इन ट्राइंगल आई ए डबल डैश ई अल्फा विल बी इक्वल टू टैन अल्फा दैट इज इक्वल टू ए डबल डैश आई बाई ई ए डैश. तो यहां पर ई ए डैश नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा ये वाला ई डबल डैश. तो यहां कौन सा ट्राइंगल है, दैट इज आई ए डबल डैश ई. तो ये ट्राइंगल है, ये डायग्राम में देख सकते हैं आई ए डबल डैश ई. इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल अल्फा बना है तो इसके लिए भी सेम, ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस तो सेम ही है ई ए डबल डैश. तो टैन अल्फा विल बी इक्वल टू ए डबल डैश आई डिवाइडेड बाई ई ए डबल डैश. तो टैन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा. तो यहां पर यही है, अल्फा इज इक्वल टू टैन अल्फा एंड दिस रेशियो. तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का जो वैल्यू आया वो इक्वेशन वन में रख देंगे. तो इक्वेशन वन में रखेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या मिलेगा, ये ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय दिस ई डबल डैश और ए डबल डैश आई बाय ई ए डबल डैश. तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डबल डैश आई. अब यहां पर ये वाला जो डिस्टेंस है, मतलब ए डबल डैश आई क्या है, ए बी के बराबर होगा बाय कंस्ट्रक्शन. तो सो एम विल बी इक्वल टू, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए. तो एम विल बी इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी. तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां इस इक्वेशन में ए डबल डैश बी ए डैश बी डैश को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे. तो ये मिल गया क्या, ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश बाय ए बी. तो ये क्या दिखा रहा है, आई पीस के लिए ये हो गया इमेज डिस्टेंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, मैग्निफिकेशन. तो दिस इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस. और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस या इमेज हाइट बोल सकते हैं. तो हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव. तो ये हो गया मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव. तो मैग्नीफाइंग पावर क्या मिल गया यहाँ पे, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस. ये हो गया इक्वेशन टू, जहां पर एम ई है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस एंड एम ओ इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम ई और एम ओ को हम इवेलुएट करेंगे, मतलब इसका जो एक्सप्रेशन है नॉन क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखेंगे. नॉन क्वांटिटीज क्या है, फाइनल इमेज डिस्टेंस जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है दैट इज इक्वल टू डी और फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस. उसके टर्म्स में हम ये सारे क्वांटिटीज को कैलकुलेट करेंगे और फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फाइनल फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप मिल जाएगा. तो कैलकुलेशन ऑफ एमओ, एमओ क्या है,
दिस इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये हो गया, और ये दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये हो जाता है माइनस वी नॉट बाय यू नॉट। ये क्यों, क्योंकि यहां पे माइनस कहां से आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है। तो ये हो गया इक्वेशन थ्री, दिस इज दी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ एम ई करेंगे, दैट इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आईपीस। तो एम ई क्या है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस, आईपीस के लिए इमेज हाइट है ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश, और यहां पर ये हो जाएगा वी ई बाय यू ई, मतलब इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां पर प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, वी ई इमेज डिस्टेंस भी लेफ्ट साइड में है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लेफ्ट साइड में है, तो दोनों नेगेटिव आया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। फर्दर इमेज डिस्टेंस फॉर द आईपीस इज, इमेज कहां पे बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, जो कि इक्वल है डी के, तो वी ई विल बी इक्वल टू डी और यू ई एज इट इज रहेगा, तो एम ई विल बी इक्वल टू डी बाई यू ई, दिस इज इक्वेशन फोर। अब हम क्या करेंगे, फर्दर इसको रिप्लेस कर सकते हैं यू ई को इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। तो यहां क्या हो जाएगा, यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस, तो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस यू ई, इमेज डिस्टेंस है माइनस डी, और एफ है दैट इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज एफ ई। तो ये सबको लेंस फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बाय माइनस डी माइनस ऑफ 1 बाय माइनस यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो 1 बाय एफ क्या है, 1 बाय एफ ई हो जाएगा यहां पर, क्योंकि आईपीस के लिए यूज कर रहे हैं, तो 1 बाय एफ ई। तो ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म माइनस है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, दैट इज 1 बाय यू ई इज इक्वल टू 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी। यहां पर ये क्या है, 1 बाय यू ई, हम इक्वेशन 4 में ये क्या है, डी इंटू 1 बाय यू ई, तो 1 बाय यू ई की जगह हम ये वाला पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो एम ई की जगह क्या हो जाएगा, डी इंटू 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एम ई क्या हो जाएगा, डी इंटू 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी, ये हो गया इक्वेशन 5। तो एम ई मिल गया है, इक्वेशन 3 में एम ओ है हमारे पास, और इक्वेशन 2 में है कैपिटल एम, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 3 5 इन इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, एम विल बी इक्वल टू माइनस वी नॉट बाय यू नॉट इंटू डी इंटू 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी। डी को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, ये डी इधर आएगा तो डी बाई डी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी बाई एफ ई। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये तो ऐसा ही रहेगा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट दैट इज 1 प्लस डी बाई एफ ई। सो दिस इज दी मैग्निफिकेशन और मैग्निफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस पता है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम इसको इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ और लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे, सिंस ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द फोकस एफ ओ डैश, ये क्या है ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट फोकस, तो फर्स्ट फोकस के नियर है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नियरली इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, तो यू ओ की जगह हम लिख सकते हैं एफ ओ। फर्दर वीओ, वीओ क्या है लेंथ, इसको हम नियरली इक्वल टू लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप लिख सकते हैं। ये ऐसा क्यों कर सकते हैं, ये एक अप्रोक्सीमेशन यहां पर यूज करेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ आईपीस का बहुत स्मॉल है और ऑब्जेक्टिव का भी बहुत स्मॉल है, तो यहां से जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस वी नॉट, ये फोकस और आईपीस के बीच बन रहा है, तो ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या हो गया लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, यहां से लेकर यहां तक ये माइक्रोस्कोप का लेंथ है, और ये जो इमेज बन रहा है ये नियर बाय आईपीस, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वी नॉट को एज लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वी नॉट विल बी इक्वल टू एल दैट इज लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप का मतलब है ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का जो डिस्टेंस है। तो ये हो गया लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो यहां पर हम इक्वेशन 7 में
इक्वेशन 6 में ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बी नॉट और यू नॉट को इन टर्म्स ऑफ एफ नॉट एंड एल. तो ये हो जाएगा एम विल बी इक्वल टू माइनस एल बाई एफ नॉट इन टू वन प्लस डी बाई एफ ई. तो ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो यहां से इस एक्सप्रेशन से हम क्या देख सकते हैं कि एम लार्ज कब होगा, जब एफ ओ मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ स्मॉल होगा और इसका आईपीस का फोकल लेंथ स्मॉल होगा, तब हम ये वाला ये जो मैग्नीफाइंग पावर बहुत लार्ज होगा. मतलब क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट का हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा. और क्या है, सो एम विल बी लार्ज व्हेन एफ नॉट एंड एफ ई आर स्मॉल एंड ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द फर्स्ट फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो बहुत क्लोज होगा तो क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी स्मॉल हो जाएगा, तो हम तब ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह एफ नॉट यूज कर सकते हैं. तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर्म होता है. और यही मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सप्लेन दी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजिंग रे डायग्राम एंड ऑल्सो फाइंड दी मैग्नीफाइंग पावर वेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और बहुत ही ईजी है, सिर्फ रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना है और डेरिवेशन में कोई खास मैथमेटिक्स यूज नहीं है, सिर्फ लेंस फार्मूला का यूज है और सिंपल ज्योमेट्री है. तो होप दिस इज क्लियर टू यू. तो आज के क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.